कैबिनेट मंत्री के आने से पहले रातों रात भरे गए कोटला रोड के गड्ढे किया गया पैच वर्क। 7 साल से यही हाल नहीं होती किसी भी विभाग में सुनवाई, हर बार कर दिया जाता है पैच वर्क। फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित अम्बेडकर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस रोड पर होकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उस अम्बेडकर कॉलेज तक पहुँचेंगे, उस रास्ते में तमाम गड्ढे हैं और कोटा रोड सड़क काफी खराब है। जब कोटला रोड से जुड़े हुए विभाग के अधिकारियों के पास यह खबर पहुंची कि कल कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अंबेडकर जयंती में पहुंच रहे हैं, तो रातों रात इस कोटला रोड की तस्वीर बदलने ने कोशिश शुरू कर दी। विभाग के अधिकारियों की समझ में कि गड्ढों को भरवा दिया जाए, लेकिन स्थिति वही की वही है। क्षेत्र के लोगों की माने तो 7 साल से कोटल रोड क्षेत्र में रहने वाले निवासी यह कह रहे हैं कि हर बार यहां गड्ढों को भरने के लिए पिच वर्क का कार्य करा दिया जाता है और इस रोड पर तमाम गड्ढे हैं और इस रोड से काफी गांव भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 7 सालों में इस रोड को बनवाने की ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने सुध ली ना ही नगर निगम ने। हर बार करा दिया आता है गड्ढों को भरने के लिए पिच वर्क। स्थिति यह है कि यहां गड्ढे हो जाते हैं तो पानी भी भर जाता है, जिससे लोगों को निकलने काफी परेशानी होती है और कई गड्ढे ऐसे हैं कि अभी भी वहां पानी भरा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम रवि आनंद है। रवि आनंद जी, ये सड़क कोटला रोड वाली अभी रात को यहाँ गड्ढे भरे जा रहे हैं, क्या पूरा क्या है कल कार्यक्रम क्या पूरा? देखिए गड्ढे भरने का तो ऐसा है कि शासन के पास इतना बजट नहीं है। हम लोग पिछले 20-25 दिन से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये रोड जो है एक ऐसा संपर्क मार्ग है, इस पर लगभग 300 से 400 गाँव पड़ते हैं और शहर क्षेत्र में आने का एकमात्र ये ऐसा रोड है। लेकिन पिछले 7 साल से ये इस स्थिति में है कि इस रोड पे तमाम गड्ढे हैं, और मैं तो पत्रकार महोदय आपको भी जानता हूं, आप भी इसी रोड पे रहते हैं, लेकिन स्थिति आप जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले 7 साल से, क्योंकि कानून प्रथम कानून मंत्री और भारत के संविधान निर्माता जिनका कल जन्मदिन है, हमने पूरा प्रयास किया। पीडब्ल्यूडी विभाग गए थे हम लोग, नगर निगम भी गए थे, पूरा प्रयास किया, उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा मार्ग है, इसको आप नवीनीकरण करा दीजिए। लेकिन उनके पास केवल एक ही जवाब था कि हमारे पास बजट नहीं है, हम केवल इसकी पेचिंग करा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि पेचिंग तो पिछले 6-7 साल से लगातार हो रही है। कैबिनेट के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी भी आ रहे हैं। हाँ, कल माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी से भी एक बार हम अनुरोध करेंगे, वो भी हमारे ही प्रोग्राम में अम्बेडकर स्कूल डिग्री कॉलेज में आ रहे हैं, हम लोगों की ही प्रोग्राम की एक शोभा बढ़ाने के लिए। उनसे भी अनुरोध करेंगे, देखते हैं मंत्री जी इस रोड को नवीनीकरण करा सकते, क्योंकि पिछले 7 साल से इस रोड पे जो गड्ढे हैं ये पूरे शहर से छिपे हुए नहीं हैं। सदर विधायक जी हों, चाहे नूतन राठौर मेयर साहिबा हों, वो और चाहे कोई भी आला अधिकारी हो, वो सब जानते हैं रोड की दुर्दशा क्या है, तमाम गड्ढे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक पाइपलाइन पड़ी थी और इस बात को लगभग 4 से 5 महीने हो गए, और उस पाइपलाइन के डलने के बाद अभी तक उस पर पिचिंग का काम नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी शासन और प्रशासन की नज़र आती है कि एक छोटा सा रोड, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर का रास्ता होगा, सरकार को कम से कम गंभीरता से इस ओर सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश चंद। कौन सा रोड है ये? रोड है नगला कंसी कोटला रोड फिरोजाबाद। अच्छा, कल 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है जी, तो क्या व्यवस्था कर रही है नगर निगम? या रोड खराब है सर? ये नगर निगम का ये हाल है, हर साल ये गड्ढे भरे जाते हैं, इस बार भी कई बार ज्ञापन दे के आ चुके हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि आगे चल के जन समाज का मेला है, वहाँ कल मेयर नगर आयुक्त सारे लोग मौजूद थे, यही लोग हर साल यही पक्षपात करते हैं, हर साल की यही। आज क्या कर रहे हैं तो? आज भी आप देख रहे हो ये गड्ढे भरे जाएंगे, ये गिट्टी डाल दी, इसी पर चावल लगा दिया जाएगा। तो लोग जी कहते हैं गड्ढे है ही नहीं सड़कों में, वो वहाँ बैठे कहते हैं ना, यहाँ आके देखे ना, उनका यही तो कहना है, वहाँ तो बोल देते हैं गड्ढे भरे। ये जब से बीजेपी सरकार तब से यही हाल हुआ है, और ये हाल कोटला चुंगी से लेके और पुलिस चौकी के बीच के इतने हिस्से में यही हाल होता है, हर साल का नियम है। कल योगेंद्र उपाध्याय मंत्री जी भी आ रहे हैं, तब भी यही गड्ढे भरे जाएंगे, आप देख लेना कल आके, तब भी यही देख लेना, कल भी यही होगा। कोई मंत्री या यहाँ पे यहाँ इसी है, यहाँ पार्षद मौजूद होते हुए पार्षद तक नहीं करा सकी, चुनाव आते तब विधायक जी आ जाते, सारे लोग आते हैं चुनाव आते टाइम पे, जब तो वोट मांगने आते हैं, जब काम हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं होता, हर साल का यही नियम है।